हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, देन ऑप्शन ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ऑप्शन बी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके से पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ये डिपेंड करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल पे, ये डिपेंड करता है और डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ये डिपेंड नहीं करता है। तो टोटल चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे पहले हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर डिक्रीज कर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स ए से, तो ये किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी। मोल फ्रैक्शन अगर कम हो रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम हो रहा है, मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम हो रहा है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम हो रहा है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज क्यों करेगा? देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मान लीजिए एक्स बी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये होता है 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू अगर कम होगी तो एक्स बी की वैल्यू ज्यादा होगी, और एक्स बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्स बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एन बी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा। तो मोल्स जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा अगर एक्स बी ज्यादा है। तो हमको यही देखना है इसमें कि क्या चेंजेस हो रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम हो रहा है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर जो होता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्वेंट का जो है वो डिक्रीज कर रहा है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स से डिक्रीज कर रहा है तो एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, और एक्स भी इंक्रीज करेगा तो क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन भी इंक्रीज करेगा, और एन भी अगर इंक्रीज करेगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल डेल्टा टीवी से। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और के बी एम है एम की, के बी जो है कॉन्स्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। तो मोल फ्रैक्शन कम हो या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर। और यह एम है यहाँ पर मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एन डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी कैपिटल एम, और ये केजी में। अगर मास, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है सॉल्वेंट का एक्स से, और मोल्स जो है वो सॉल्यूट का बढ़ रहा है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन अगर बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशनशिप होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, जिसमें टी बी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी बी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, और ऑप्शन में गिवन है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज,
तो ये आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पाई से, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, सी कंसंट्रेशन है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और आर गैस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, तो ये यहाँ पर डिपेंड कर रहा सिर्फ सी पे, सी है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बढ़ रहा है सॉल्यूट का, एन बी मान लेते हैं इसको। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बढ़ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन सी में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखिए मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, तो एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्स भी इंक्रीज करेगा, और एक्स भी अगर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट होगा, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।